किसानों का विरोध नए कृषि कानूनों को लेकर है। उन्हें डर है कि नए कानून किसान विरोधी साबित होंगे। किसानों को लग रहा है कि नए कानूनों से किसान बड़ी कंपनियों के मोहताज हो जाएंगे, उन्हें फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे और उनके हित दरकिनार हो जाएंगे। कृषि बिल पर किसानों का हल्ला बोल। कृषि बिल पर किसानों का दिल्ली कूच। पंजाब से दिल्ली तक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंगाल से यूपी तक सड़कों पर किसान। ये कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आक्रोश है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। हरियाणा पंजाब सीमा पर अंबाला में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की। पंजाब से हरियाणा में घुस रहे किसानों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस मशक्कत कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में किसान नहीं है, लेकिन जो भी किसान हरियाणा की तरफ आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। पटियाला से अंबाला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह से ही पुलिस की तैनाती थी। विरोध के अंदेशे को देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी थी। जैसे ही किसान पहुंचे, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है आप देखिए कि पूरे के पूरे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स को सील किया गया है और बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई है कि कोई भी यहां से आगे ना जा सके। बैरिकेड्स पर लोहे की ये जंजीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा सड़क पर सीमेंट के बने हुए ये बैरिकेड्स लगाए हैं कि किसान अपने ट्रैक्टरों से भी आगे ना बढ़ सके। पंजाब से किसानों की बड़ी तादाद कल से ही दिल्ली कूच करने की कोशिशों में लगी थी। हरियाणा में उन्हें जगह जगह रोक लिया गया। दिल्ली सीमा के पास सुबह से ही पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। निकालने के लिए किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी। और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट, अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। पूरी तैयारी थी किसानों को दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से रोकने की। दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। सिंधु बॉर्डर पर सुबह सुबह बैरिकेड लगा दिए गए। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे जो मौजूद है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो बैरिकेटिंग की गई है, दो बार बैरिकेटिंग के बाद आप देखिए यहाँ पर चूंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इसलिए कई सारे यहाँ पर ट्रक भी खड़े हैं। बैरिकेटिंग आपको दिखेगी, बैरिकेटिंग पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद है। उस बैरिकेटिंग के बाद आपको हम दिखाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप ये देखिए, ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर है, बीएसएफ के अधिकारी है। दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स को पुलिस ने एहतियातन सील कर दिया था। गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, हर तरफ पुलिस की भारी मौजूदगी दिखी।
किसान लगातार कह रहे हैं कि वो मानेंगे नहीं, वह अपनी बात जरूर रखेंगे केंद्र के लाए हुए 3 फार्म बिल के विरोध में, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस बाकायदा तैनात कर दी गई है। अगर मैं फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर बात करूं तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवान तमाम स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ यहां खड़े हुए हैं। किसानों के महाधरने को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो के कई रूट्स पर भी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की माने तो ये उनके हक की लड़ाई है। सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे, इसीलिए सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया। दिल्ली से मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।